हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पुखराम ब्लॉग में आपका ढेर सारा तहे दिल से वेलकम है। मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। तो हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगी। आप लोग शांत हो सकते हो, बट मैं शांत नहीं हूँ, नहीं होती हूँ, ना हो पाऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं पता नहीं मुझे कैसा भगवान ने बनाया है, क्या मेरे माइंड में रखा है, पता नहीं है। ना तो मुझे व्यूज का लालच है कि मैं व्यूज के चक्कर में ऐसा कर रही हूँ। अगर किसी को व्यूज का चक्कर लगे तो आप समझ सकते हो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे आप वो समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे एक बात करना चाहती हूँ। एक मैडम है पायल, उनके चैनल का नाम है पायल की दुनिया। तो पायल की दुनिया, पायल मैडम का वीडियो आप देखिएगा, इतनी अश्लील वीडियोस वो बनाती हैं। क्योंकि मैं नहीं बोलती, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती। और हैप्पी की जिद थी, हैप मामा मुझे फोन दे। वैसे मैं बच्चों को फोन से बहुत दूर रखती हूँ, ज्यादा हो सके, जितना हो सके फोन से दूर रखती हूँ। टीवी देखो, कार्टून देखो, वही ठीक है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फोन देना पड़ता है, मतलब बच्चे जिद ज्यादा करने लगते हैं और छुट्टियां भी चल रही हैं तो फोन हमें देना पड़ता है, तो मैंने दे दिया। तो फ्रेंड्स, उसमें ना एक वीडियो आ गया, तो हैप्पी हमारे पास वो फोन लेके आई, मम्मा आप ऐसा वीडियो नहीं बनाती हो, आप ही बनाया करो। मैंने देखा, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया वो देख के वीडियो उनका, कि मतलब उसको तो कुछ पता नहीं है, वो अभी छोटी है, उसको नहीं पता है क्या हो रहा है, कैसा है, क्या है इसमें, क्या वो कर रही हैं। तो लेकिन मैं उनके लिए बोलूंगी कि मैडम सुधरिए आप, ठीक है, सुधर जाइए। और सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि अगर कोई लेडीज अश्लील वीडियो बना रही है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? और उनके चक्कर में ना हम जैसे भी बदनाम हो जाते हैं। हमारे वीडियोस अच्छे खासे होते हैं, लेकिन ऐसे लेडीजों की वजह से हम लोग भी बदनाम कर दिए जाते हैं। तो सरकार से भी मैं हाथ जोड़ से गुजारिश करूंगी, अगर कोई ऐसा वीडियो अश्लील आ रहा है तो प्लीज उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ठीक है? उनके खिलाफ प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, एक्शन लिया जाए, ताकि बच्चों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। देखो आज नॉर्मल सी बात हो गई है कि हर बच्चों के पास फोन होना 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 ही है, ठीक है? क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन कोचिंग है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई है, ऐसा सिस्टम चल गया है कि बच्चों को फोन देना हमें मतलब जरूरी हो गया है। क्योंकि बच्चों का भविष्य, एक तो भविष्य की बात हो गई कि हमें पढ़ाना है, ऑनलाइन ये है, ऑनलाइन वो है, तो बच्चों को फोन देना एक वही हो गया है, एक जरूरी, ठीक है? तो हमें ये तो नहीं पता कि सारा दिन बच्चे फोन लेके पढ़ाई करते हैं, ऐसा तो नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ वो वीडियोस देखते ही हैं, तो वीडियोस के देखते देखते पता नहीं अचानक ऐसे वीडियोस भी आ जाते हैं। और कल ऐसे अचानक ही आ गया था, कोई मतलब हम लोगों ने सर्च तो किया नहीं था, मैं तो इनको जानती भी नहीं थी, पायल जी को, कि कौन सी पायल, कहाँ की पायल। तो बस ऐसे ही आ गया अचानक से, तो मैंने उनकी फिर पूरी आईडी खोली, तो वो मैडम पूरी वीडियोस पे ना नहाते हुए दिखा रही है अपना नहाते, इतना ही शौक है नहाने का। तो मैडम बोर्ड पे आइए, नहाइएगा आराम से, ठीक है? तो आने वाले जाने वाले सारे देखेंगे, बढ़िया अच्छा खासा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है? नहाने का शौक है तो नहाइएगा रोड पे आके। प्लीज वीडियोस मत बनाइएगा ऐसे, क्योंकि इसमें ना बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, अब तो हर लोग देखते हैं। तो थोड़ा शर्म करिए, अगर शर्म है ना तो थोड़ी सी शर्म कर लीजिएगा। और कहती हैं, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, कहती हैं मैं सिर्फ एक इंसान को मानती हूँ, वो हैं बजरंगबली और बागेश्वर धाम बाबा। तो बागेश्वर धाम बाबा की तो बात मत करिए, पता नहीं कौन से धाम पहुँचा देंगे आप, ठीक है? अगर आपके उन्होंने वीडियो देख ली तो बागेश्वर धाम बाबा पता नहीं कौन से धाम आपको पहुँचा देंगे। कहती हैं मैं किसी से नहीं डरती, आम जनता मेरे ऊपर भड़कती है, मेरे ऊपर भौंकती है और पता नहीं क्या अड़ापा सड़ापा बोलती रहती हैं। हाँ, और मैं लोगों को अपनी पैर की जूती मानती हूँ, ये भी मैडम बोल रही हैं, अपनी पैर की जूती मानती है। तो मैडम, अगर आप आम पब्लिक को पैर की जूती मानती है ना, तो हम जैसे अगर लोग आ गए तो जूती, आप पैर की जूती किसको मानती हैं, कौन किसको जूती मनवाएगा, ठीक है? पहनने लायक जूती नहीं छोड़ेंगे, इतनी चप्पलें आके मारेंगे ना मुंह पे कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा तुम्हारे। सच में फ्रेंड्स, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था उसका वीडियो देख के, कि मतलब बच्चों के साथ एक तरफ से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब उसको तो पता नहीं, उसकी कोई गलती, मैंने उसको ना मारा, कल दो तीन झापड़ मैंने उसको लगाए कि आज से तुमने अगर मोबाइल छुआ तो तुम्हें इतना मारेंगे, इसके हाथ काट डालेंगे। लेकिन उसकी गलती नहीं है इसमें, इसमें गलती इस लेडीज की है। ऐसी लेडीजें बहुत सी हैं कि बना रही है, मैं उनका नाम जानती भी हूँ और यहाँ पे शो करना भी नहीं चाहती हूँ। ऐसी ऐसी औरतें हैं ना,
कि मैं उनका नाम यहाँ पे शो करना भी नहीं चाहती हूँ। बस सरकार से विनती करना चाहती हूँ, प्लीज उनके खिलाफ कोई एक्शन लो। आप वैसे तो सारी इतनी वैसे बातें करते हो, तो प्लीज ऐसे लोगों के ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन लेते हो। और पब्लिक से भी मैं कहना चाहती हूँ, पब्लिक वैसे तो हम मतलब लोगों के ऐसे ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पब्लिक भी इसमें बड़ा खुश होती है, लाइक दे रही है, सब्सक्राइबर दे, उनके मैडम के जो वीडियोस हैं उनके सारे जो कमेंट्स हैं वो सारे ऑफ हैं, वरना मैं ऐसा कमेंट्स मारती ना, लेकिन उनके कमेंट्स ऑफ आ रहे हैं उनके वीडियोस पे। तो मैडम सुधर जाइए पायल जी, अगर अपनी इज्जत का थोड़ा सा ही ख्याल है तो प्लीज़ सुधरिए, ठीक है। हम लोगों को ऐसे मतलब हम लोग भी वीडियोज़ बनाते हैं, आप लोगों की वजह से ना हम लोग को बदनाम किया जाता है, आप लोगों की वजह से खाली। तो सुधर जाइए, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सुधर जाइए आप, वरना पता नहीं, और ये तो मुझे पता नहीं है आप हैं कहाँ की, कौन सी जगह से हैं, ये तो आपका कुछ लिखा नहीं होता है, वरना मैं आपसे मिलने जरूर आती एक बार। तो फ्रेंड्स बस आज मैं यही बोलूंगी कि ऐसे लोगों के ऊपर आप लोग भी प्लीज थोड़ा सा रिएक्शन अपना दिया करो, थोड़ा सा बोला करो, ठीक है। मैं जानती हूँ कि मतलब वीडियोस बनाना हम लोग का काम है, लेकिन ऐसे वीडियोस के चक्कर में ना मेरी, अगर घर में भी लोग देखते हैं, मतलब बहुत से लोग ऐसे देखते हैं तो ये कहते हैं हाँ इनकी भी बहू वीडियो बनाती है, तो उनके चक्कर में हम लोग को भी जैसे बदनाम कर दिया जाता है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है उनका कंटेंट है बहुत अलग होता है। हम अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है, और चंद पैसों के लिए आप अपनी इज्जत गवा देती हो। अगर इतने ही पैसे का शौक है तो प्लीज रोड पे आ जाइए आप, ठीक है, वीडियोस मत डालिए, रोड पे आके आराम से खुलेआम बनाइएगा, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो वीडियो किसी भी रीजन से वैसे अच्छा लायक तो कुछ है नहीं, अगर आपको समझ में आ गया हो, मैडम जो भी ऐसे वीडियोस बनाती हैं, कोई मुझे अगर सुन रहा हो तो प्लीज ऐसे वीडियोस बनाना बंद करिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए, अगर समझ सकें तो। और फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।